हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हम इस वीडियो में वैल्यूएशन और गुडविल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एमजीएसयू एग्जाम 2011 में बीकॉम पार्ट थर्ड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है बिनाका ब्रदर्स का 31 मार्च 2016 का 98 प्रकार था। बिनाका लिमिटेड की बैलेंस शीट में हमें लाइब्रेरी साइड में दिया है कैपिटल 1,00,000 रुपये, पीएनएल का बैलेंस दिया है 20,000 रुपये, जनरल रिजर्व दिया 15,000 रुपये, शॉर्ट टर्म लोन है 20,000 रुपये, ट्रेड क्रेडिट 9,000 रुपये और प्रोविजन फॉर टैक्स है 15,000 रुपये। बिल्डिंग की वैल्यू है 84,000, प्लांट मशीन है 60,000, फर्नीचर है 5,000, मोटर व्हीकल है 20,000, स्टॉक है 2,000, डेटर्स है 6,000 रुपये और कैश का बैलेंस है 2,000 रुपये। आगे और भी सूचना दी है, इसमें है 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के लाभ दिए हमें 17,000, 19,000, 18,000, 20,000 और 19,000। इन लाभों में अनावर्ती आय क्रम से 2,000, 3,000 तथा 4,000 शामिल है। यह आशा की जाती है कि भविष्य में यह आय 4,000 रुपये वार्षिक नियमित रूप से होगी। यह अनावर्ती आय है वो फ्यूचर में हमें 4,000 रुपये कंटिन्यू प्राप्त होती रहेगी। 31 मार्च 2016 को भवन तथा प्लांट एवं मशीन का बाजार मूल्य क्रम से 1,00,000 रुपये और 90,000 रुपये था। समस्त स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन 10% से लगाना है। यह अनुभव किया गया कि 1,000 रुपये के पुस्तक ऋणों की कोई वसूली नहीं होगी, अर्थात बुक डेब्ट्स में से 1,000 हमारे डूब जाएंगे तथा शेष पुस्तक ऋणों पर हमें 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन करना आवश्यक है। आपको निम्न आधार पर बिनाका ब्रदर्स की ख्याति का मूल्य निम्न प्रकार से प्रत्येक के अनुसार ज्ञात कीजिए। एक नंबर अधिलाभों के 5 वर्षों करे के आधार पर, दो नंबर 5 वर्षों के लिए वार्षिक घटे के आधार पर, 8% की दर से 5 वर्ष के लिए 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 3.927 रुपये लिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप नंबर एक होगी हमारी एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमें लास्ट के 5 कॉलम तैयार करने हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 5 वर्षों के लाभ दे रखे हैं। तो 5 वर्ष, लास्ट ईयर है हमारा 2016, तो शुरू करते हैं। ईयर फर्स्ट में कॉलम लिख देंगे 2012, 2013, 14, 15 और 16 और लिखे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ने सभी सालों का लिखना है 17,000, 19,000, 18,000, 20,000 और 19,000। करंट ईयर के प्रॉफिट जो 19,000 है वो ज्ञात करने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो बुक डेप्स है उनसे 1,000 रुपये डूब जाएंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद ये पता चला कि 1,000 डूब जाएंगे और शेष जो डेटर बचेंगे उन पर 5% डूबने की और संभावना है। तो 19,000 में से 1,000 लेस करना है तो हमारा प्रॉफिट आ गया 18,000। अब 18,000 में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी लेस करना 5%, तो ये किस पर ज्ञात करेंगे? बुक डेप्स हमारे 6,000, जिसमें से 1,000 डूब गए तो बुक डेप्स की वैल्यू बचेगी 5,000। 5,000 में से कितने डूबने की संभावना है? 5%। 5,000 का 5% 250 रुपये, तो 18,000 में से 250 रुपये घटा देंगे तो 17,750 रुपये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो करंट ईयर नेट प्रॉफिट है 2012 का 17,000, 19,000, 18,000 और 20,000। 2016 का 19,000 का प्रॉफिट था, जो कि हम ज्ञात करेंगे एक्चुअल करंट ईयर प्रॉफिट। इसके लिए हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार करना है। नोट लिखिए करंट ईयर एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो करंट ईयर का हमें प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 19,000, इसमें से लेस करना बैड डेट्स जो कि 1,000 की अमाउंट थी और इसमें से लेस करना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास डेटर्स की राशि है 6,000, जिसमें से 1,000 डूब गए, 5,000 पर हमें कितना निकालना है? 5% है 250 रुपये। तो हमारा करंट ईयर का एक्चुअल नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 17,750। तो लिख दीजिए लास्ट 2016 में 17,750 रुपये। अब इसमें से हमें लेस करना नॉन रिकरिंग इनकम जो कि हमारी नॉन रिकरिंग इनकम प्रॉफिट में शामिल है, उसे हम लेस कर देंगे। देख लेते हैं कितने नॉन रिकरिंग इनकम। फर्स्ट ईयर में 2,000, 3,000, 4,000 शामिल है, तो लेस कर दीजिए 2,000, 3,000, 4,000। लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। 2012 के लिए 15,000, 2013 के लिए 19,000, 2014 के लिए 15,000, 2015 के लिए 20,000, 2016 के लिए 13,750। एडजस्टेड प्रॉफिट हमने ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होगी हमारे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दो तरीके से ज्ञात होता है, सिंपल एवरेज लेना या वेटेड एवरेज लेना। वो सिंपल या वेटेड उस एडजस्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि सिंपल निकालना है या वेटेड निकालना है। अब देखते हैं एवरेज जो एडजस्टेड प्रॉफिट है हमारा कैसे है।
फर्स्ट है 15,000, फिर 19,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 13,750। ये जो प्रॉफिट है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात ना तो बढ़ते हुए क्रम है और ना ही घटते हुए क्रम में। इसलिए इस प्रॉफिट का हमें निकालना सिंपल एवरेज। कैसे ज्ञात करेंगे? 15,000 + 19,000 + 15,000 + 20,000 + 13,750 / 5 भाग देने पर हमारे पास आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए दो नंबर स्टेप में हम ज्ञात कर लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट 500 सालों के लाभों को जोड़ना और 5 का भाग दे देना है। तो 500 साल का लाभ है हमारा 15,000 × 19,000 / 15,000 × 20,000 / 13,750 रुपए, और इसमें 5 का भाग देने पर हमारे पास वैल्यू आती है 16,550 रुपए। ये आ गए हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद तीन नंबर स्टेप है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमें अमाउंट का एक कॉलम तैयार करना है और उसमें लिखना है, सबसे पहले हमें नोट करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, जो कि अभी हमने स्टेप नंबर दो में ज्ञात किया था 16,550 रुपए। अब इसमें क्वेश्चन के जो भी फ्यूचर के जो भी लाभ है वो जोड़ देंगे, फ्यूचर के में जो हानि होगी उसे हम घटा देंगे। पहले इनकम होती थी फ्यूचर में नहीं होगी घटा देंगे, पहले खर्चे होते थे फ्यूचर में नहीं होंगे जोड़ देंगे। ये सारे एडजस्टमेंट आप इसमें करने, देख लेते हैं किस प्रकार के एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हमें दिया अनुवर्तीय रिकरिंग इनकम दी है, जो कि यह आशा की जाती है कि भविष्य में 4,000 रुपये प्राप्त होगी, नियमित रूप से प्राप्त होगी। भविष्य में आय जो प्राप्त होती है उसे हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं। तो ऐड कर दीजिए ऐड नॉन रिकरिंग इनकम रिसीव्ड इन फ्यूचर 4,000 रुपये। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हमें डेप्रिसिएशन का, मूल्यह्रास का 10%। अब देखिए मूल्यह्रास लगाना हमें भवन पर और प्लांट पर। 1,00,000 रुपये भवन का मार्केट वैल्यू दी है और इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 84,000 और मार्केट वैल्यू 1,00,000। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगेगा इसकी अंतर की राशि पर 16,000। 1,00,000 माइनस 84,000 में घटाने पर 16,000 पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो लेस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,00,000 माइनस 84,000 × 10% 1,600 रुपये। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाना हमें प्लांट एंड मशीन पर। प्लांट एंड मशीन की मार्केट वैल्यू 90,000 और बुक वैल्यू है 60,000। तो इस प्लांट एंड मशीन की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा है 30,000, तो 30,000 रुपये पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा। इसे भी हम लेस कर देंगे, लेस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 90,000 माइनस 60,000 × 10% तो 3,000 रुपये। ये सब घटाने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 15,950। ये आ गए हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 15,950। तीन नंबर स्टेप ज्ञात करने के बाद स्टेप नंबर 4 है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के लिए हमें अमाउंट के दो कॉलम तैयार करने हैं। सबसे पहले हमें लिखना एसेट्स। एसेट्स में हमें सारी जितनी भी एसेट्स लेनी है, केवल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़ना है। तो देख लेते हैं हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी है। हमारे पास बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, बुक डेब्ट्स है, कैश है। अगर इनकी मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू को लेंगे, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू लेंगे। तो बिल्डिंग की हमारे पास मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपये, प्लांट मशीन की मार्केट वैल्यू 90,000 और सभी एसेट्स की हमें बुक वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू नहीं दी है। डेटर्स 6,000 के, इसमें से 1,000 डूब जाएंगे और 5% डूबने की संभावना है। इन दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद डेटर्स की हमारी मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो इन सब एसेट्स को अपन लिख लेते हैं। बिल्डिंग आ जाएगी हमारी 1,00,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा हमारा 90,000 रुपये, फर्नीचर आ जाएगा हमारा 5,000 रुपये, मोटर व्हीकल 20,000 रुपये की, स्टॉक आ जाएगा हमारा 2,000, डेटर्स की अमाउंट होगी 6,000 में से 1,000 डूब जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे। तो 5,000 पे हमें कितना लेना है, 5% प्रोविजन करना है 250। ये सारी राशि एडजस्टमेंट करने के बाद 4,750 हमारे पास बुक डेब्ट्स की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कैश। कैश का बैलेंस है 2,000, ये हमारी टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स आ गई हमारे पास 2,23,750। इसमें से हमें लेस करना है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज को लेस करना है। तो देख लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन है 20,000 रुपये का, ट्रेड क्रेडिट 9,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000। इन तीनों को लेस कर देंगे टोटल एसेट्स में से। शॉर्ट टर्म लोन है 20,000 रुपये का, सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 9,000 रुपये के, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अमाउंट है 15,000। इनका सबका योग होता है 44,000। 2,23,750 में से 44,000 लेस करने पर अमाउंट आएगी हमारी 1,19,750। ये आगे हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस कर देंगे करंट 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा 17,750 का 50%। तो देख लेते हैं 17,050 रुपये कैसे ज्ञात किए थे हम स्टेप नंबर एक में वर्किंग नोट बना करके। तो हमारे करंट ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट है 17,750 रुपये, इसका हमें कितना लेना है 50%। तो 50% बनता है इसका 8,875। 179,750 में से 8,875 घटाने पर हमारे पास वैल्यू आती है 170,875। ये आ गई हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने के बाद स्टेप नंबर 5 है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सूत्र है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने ज्ञात की थी स्टेप नंबर 4 में, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में दी है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है। क्वेश्चन के अनुसार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 8%। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट जो कि है 13,670। ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ज्ञात की थी स्टेप नंबर 4 में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 170,875 को हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% जो कि क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 13,670। नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद 6 नंबर स्टेप है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का सूत्र है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने ज्ञात किया था स्टेप नंबर 3 में। तो देखो स्टेप नंबर 3 है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 15,950 रुपये। तो 15,950 में से हम लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 13,670 रुपये। तो 15,950 में से 13,670 घटाने पर 2,280 रुपये। और 7 नंबर स्टेप होगी गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ज्ञात करनी है अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो ए नंबर बाय 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट 2,280 इंटू 5। तो गुडविल की अमाउंट आ गई हमारे 11,400 रुपये। नेक्स्ट पूछा है 2 नंबर 5 वर्षों के लिए वार्षिक घटक के आधार पर 8% की दर से 5 वर्षों के लिए 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 3.9927 लिया जा सकता है। गुडविल ज्ञात करना है। तो बी नंबर बाई एनुइटी मेथड। तो एनुइटी मेथड में कैसे गुडविल ज्ञात करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1। सुपर प्रॉफिट हमारा 2,280 रुपये, 2,280 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 3.9927। तो 2,280 रुपये को 3.9927 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास गुडविल आ जाएगी 9,103 रुपये। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए।